बंदा जो मर्जी कर दे, ये औरतें कभी राजी नहीं होगी, कभी खुश नहीं होगी, कभी मुतमईन नहीं होगी। अल्लाह ही जाने किस किस मिट्टी से बनी हुई है। जो आपकी बात ना माने ना, बस उसको दो दो लगाने, दे मार साढ़े चार, ठीक है। जो भी आपकी बात ना माने, सबसे पहले तो इसको लगानी है, ये जो खड़ी है ना सामने, इसको ये बात नहीं मानती। मुंह पे देख कैसे बनाया हुआ इसने। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है जी, गुलफाम सिस्टर, उन्होंने कहा ये अकरम भाई किसी में ना पार्टी वाला जूता नहीं होना चाहिए। क्या ना पार्टी वाला जूता नहीं होना चाहिए। ये देखें जी माशाल्लाह जी, वाह जी वाह, शेर खान मुबारक हो यार, आज तुम बाप बन गए, तीन बच्चों के बाप बन गए हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शेर खान बाप बन गया। हाँ मुबारक हो। ये देखे जी, हमारा करेलो का सालन। टू थ्री रेहान, हमारा शेर खान तीन बच्चों का बाप बन गया। हाँ जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइकिल खड़ा ना, यहाँ पर मैंने नलके की खुदाई वगैरह। हमारी जी बहुत प्यारी दोस्त है एक, है ना, आज उनका फोन आया था, तीन चार बड़े फोन आ गया, तब मैं सही हुई थी। और है ना, उसका नाम भी बता दे, कौन सी दोस्त है? फातिमा अफजल उसका नाम है। और ओए माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, आज हमारा जी शेर खान बाप बन गया जी माशाल्लाह जी। हमारी कट्टो ने जी तीन बच्चे निकाल लिए जी माशाल्लाह जी। ओए ये देखें जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी तीन बच्चे निकाल लिए जी, एक दो तीन, माशाल्लाह। बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शेर खान को मुबारक देता हूँ। वाह जी वाह, शेर खान मुबारक हो यार, आज तुम बाप बन गया, तीन बच्चों के बाप बन गए हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शेर खान बाप बन गया। हाँ मुबारक हो आपको। वाह जी वाह माशाल्लाह, जबरदस्त कमाल कर दिया जी शेर खान ने। ये देखे जी, हमारा करेलो का सालन। ये भाभी के घर देने जा रही है, भाई वालों के, भाई जमीन वालों के घर, उनको देखे आएंगे। ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। कौन है? वालेकुम अस्सलाम, किसको कह रही थी ध्यान से मोटर खड़ा है? कौन है भाई, आ गए इकट्ठे आए हो आप? इकट्ठे कैसे आ जाते हो आप? वालेकुम अस्सलाम, चले। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइकिल खड़ा ना, यहाँ पर मैंने नलके की खुदाई वगैरह करनी थी, नलका उधर साइड पे करना था दीवार के साथ, तो मैंने सुबह आपको बताया था कि मैंने ये करना है, ये पंप भी लगाना था और विंडो का कलर भी करना था। मैंने कलर भी बना लिया था, बना के रखा था, तो फिर भाई ने कहा भाई आप ना मेरे साथ पहले ये करवाएं काम। ये जो किचन हॉका हो रहा है, ये देखें ये शीट खड़ी है, इसको हम काट फाट करके लगाएंगे। ये हम पाँच लेके आए थे, पाँच में से ये एक पीस बच गया, तो चार इधर लग चुकी हैं। ये देखें ये फ्रेम वगैरह हमने, ये देखें ना, ये खाने जहाँ लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको लकड़ी का, ये देखें ये फ्रेम हमने लगा दिया है। तो अभी हमने लगाने पल्ले, भाई कहता था यार मुझसे ना अकेले से नहीं होगा, तो हम दोनों मिलके इसको लगा लें, तो इसलिए फिर मैंने आज वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, रंग वाला भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और ये नलके और पंप वाला भी। तो दूसरा जो था ये किचन वाला, ये हमने कहा चलो पहले ये फाइनल कर लें। तो इधर जी मेरा वज़ीर आज़म साहब भी आ गया है। हाँ जी, मेरे रोटी थी बच्चों की, स्कूल से आ गए हैं बच्चे। हाँ जी, रोटी खा ले, बना ले, ला जल्दी भाई, आ गया भाई, आ जा बेटा जल्दी। लगी है नहाना इसने अभी, ले तो वर्दी भी नवी, जूता ले दिया ना आपको, आपका जूता तो आपके सूट के बाजू के साथ मैच हो गया। मना जी, बड़ी मैचिंग की अभी आपने तो। ये देखें ये सारे औजार वगैरह ना हमारे इधर बिखरे बिखरे पड़े हैं। ये देखें कहीं थोड़ी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो कल जी मैं, आज अगर ये फाइनल हो गया तो कल ना फिर मैं वो नलके और पंप वाला करूंगा, तो कोशिश करूंगा मैं शाम को ना, ये अब बच्चे आ गए जैसे ट्यूशन पढ़ के, चाची के साथ ये काम करवाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना कलर कर लूँ विंडो को, ताकि परसों ना रंग होता है, कलर नहीं होता वो, रंग कलर कलर पर्दों को करते हैं।
कलर करना है ना, उसको रंग करना है, रंग करना, रंग बोला करे, विंडो को रंग करना है, तो उसको ना मैं रंग कर दूं ताकि परसों नहीं तो कल जो है ना वो आएगा शीशे वाला, वो इसमें शीशे की फिटिंग कर देगा। तो ये मिट्टी वगैरह अंदर आती है ना बाहर से, वो बैठक में इसके कपड़े वो कवर वगैरह भी नहीं थोड़े इसके, इसलिए कि मिट्टी आ रही है। अब खाना नहीं खाना आपने? मुझे ना खाना है। पहले खाना खा लें, बाद में नहा लेना थोड़ी देर ठहर के, पहले फिर आपके इंतजार बैठ रहेगा। हमने तो हमने काम करना है फिर बेटा, खाना खा लेना फिर नहा लेना। जब खाना खाने लगेंगे ना फिर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, तो फिर आप नहाना, फिर आप खुशी से नहाना। हाँ जी माशाल्लाह जी, खाना खाने लगे हैं दोपहर का, तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, हमाद ने भी नहा लिया है, नमाज़ भी पढ़ ली है, रिहान ने भी अभी नमाज़ पढ़नी है। तो रिहान आपको एक खुशखबरी सुनाएं हम जी। बैठे पहले नहीं सुनानी खुशखबरी? क्यों क्यों नहीं सुनानी खुशखबरी? ठीक कर रहा इसको, पजामे पहनने का शौक है और पहने नहीं जाते, कैसे पहनते हैं पता नहीं है कैसे पहनने। चल बैठे। हाँ जी बेगम साहबा, तो माशाल्लाह जी वो जिसका इंतज़ार था वो घड़ियाँ आ गई कि वो बाप बन गया। ठीक है, तो हमें जी बहुत खुशी हुई है तो कि वो बाप बन गया। तो कौन बाप बना है आपने ये देखने के लिए वीडियो पूरी वाच करनी है, फिर आपको पता चलेगा कौन बाप बना है। तो माशाल्लाह जी उस पे बाप बनने की खुशी में जी बहुत दूर दूर तक मिठाइयाँ तकसीम हो गई हैं जी, तो अभी तक हमारे पास मिठाई नहीं पहुँची जी। तो माशाल्लाह जी आपको बहुत मुबारक हो रिहान, बेगम आपको भी, हमाद, मनाहिल, सबको। तो मुझे भी जी बहुत बहुत मुबारक दें जी आप जी के वो बाप बन गया जी। तो अभी आप आपको बताएंगे। टू थ्री रिहान हमारा शेर खान तीन बच्चों का बाप बन गया। हाँ जी हाँ जी, हमारा शेर खान तीन बच्चों का बाप बन गया जी। माशाल्लाह तीन बच्चे हमारे कट्टो ने तीन बच्चे निकाल लिए जी। ओए खाना खाए, पहले बैठ खाना खाए, खाना खाए बैठ, खाना खाए, खाना खाए। लेकिन पागल हो गया जी, पागल हो गया कोई जैसे। माशाल्लाह जी शेर खान तीन बच्चों का बाप बन गया और कट्टो भी तीन बच्चों की माँ बन गई। अभी और देखें, सात अंडे थे, आठ थे, आठ थे, देखें जी और कितने बच्चे निकालते हैं जी। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि कल तक और बच्चे निकालेंगे इंशाल्लाह। उनको छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना उनको। ऊँचू ऊँचू हो रही थी पता चला। चले जब खाना खाएं, अब कितनी खुशी हुई है आपको बताया था ना कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। चले जी खाना खाएं। इसकी माँ इसने, अब उसकी माँ ने सब कुछ सिखा दिया उसको, उसने पास ही आने देना। हाँ वो बाहर ही उसने पास में, तो मुर्गी है पास भी लगाने देना उसके, एक पास भी उड़ के बाहर ही उड़ के। अच्छा बहुत मजेदार बना कर। अच्छा शुक्रिया। अभी आ जाओ शेरखान, तीन बजे का बाप बन गया। ये देखा जी माशाल्लाह करेले कितने मजेदार बने हैं, मसाले वाले करेले बहुत मजेदार हैं जी। शीट की कटाई करेंगे, इसको निशान लगा रहे हैं। Thank you.
माशाल्लाह जी शीट की कटाई हो गई है। जी पप्पा और चाचू अलमारियां बना रहे थे और चाचू अब दरवाजे बना रहे हैं अलमारियों के, तो पप्पा इधर रंग कर रहे हैं विंडो को। ये ना विंडो को ना रंग होने वाला रहता था, तो पप्पा सुबह रंग लेके आए तो रंग कर रहे हैं। कल शीशा लगना है इसको। पेमेंट आई थी ना यूट्यूब की तरफ से, तो वो फिर ये काम हो रहा है सारा। ये देखें जी माशाल्लाह ये दरवाजे बन चुके हैं। ये एक शीट रह गई, एक दरवाज़ा रह गया, क्योंकि ये ना ये एक पट्टी कम पड़ रही थी, तो वो लेने जानी है कल, तो फिर चलाएंगे। माशाल्लाह जी एक दरवाज़ा लग चुका है। ये देखें ये एक दरवाज़ा है हमारा, मैं इसको खोल रहा हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मच्छर देखें कितना है इसके अंदर। ये देखें ये दरवाज़ा लग चुका है, नजर आ रहा है आपको। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी तीन दराज जो ना हमने लगा दिए हैं। ये देखें ये लग चुके हैं, इनको थोड़ा सा काम थोड़ा सा रहता है इसका। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहा है ना बेगम। हाँ जी। तो सारा दिन में जी आज हमने यही काम किया है। मैंने वो नलके वाला काम करना था, फिटिंग वाला, तो वो मैंने नहीं किया। तो भाई कहता कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, तो आप मेरे साथ रहें। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, हम दोनों भाइयों ने मिलकर जिस तरह ये बनाया है, तो थोड़ा सा टाइम मैंने निकाल के ना, तो फिर मैंने वो किया अपना विंडो को कलर कर दिया। तो सुबह कल शाम को वो ग्लास वाले को बुलाएंगे, वो आके ग्लास फिट करेगा उसमें, तो फिर हमारा बैठक हमारी जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बेगम जान छोड़े यार, क्या कोई काम मुझे किसी तरफ सांस भी लेने देगी आप? ये आप कह रहे हैं कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो जाएगा ना, बस शीशे लग गए, बस कंप्लीट ना बोले, दरवाजे का काम मुकम्मल हो जाएगा, दरवाजे का काम हो जाएगा, वो विंडो का काम हो जाएगा, सारा हो जाएगा। पर्दे फिर कभी लग जाएंगे, पर्दे लगाते रहेंगे, भाई बंदा जो मर्जी कर दे, ये औरतें कभी राजी नहीं होगी, कभी खुश नहीं होगी, कभी मुतमईन नहीं होगी। अल्लाह ही जाने किस खुश हो, किस मिट्टी से भरी हुई है, जो काम रहता है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया यार। दाने गंदम लेनी है यार, उसका मुझे फिक्र है, आपको सिर्फ पर्दों की पड़ी हुई है। मच्छर मक्खियां, तो ये जो संभालने वाली चीजें ना नीचे वो समझ जाएगी, तो इन मच्छर मक्खियों और छिपकलियों वगैरह से ना जो है जान छूट जाएगी, तो किचन साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे ये नजर पे जैसे ये पड़े ना, ये देखें बर्तन, कभी मट्टी नजर आ रही है, कहीं कुछ नजर आ रहा है, ये सारा जो है ना ये सेफ हो जाएगा। तो आप सबको रोटी दे के आओ, हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है जी गुलफाम सिस्टर, उन्होंने कहा जी अकरम भाई किचन में ना पार्टी वाला जूता नहीं होना चाहिए। क्या ना पार्टी वाला जूता नहीं होना चाहिए, जूता अलग होना चाहिए किचन के लिए, ठीक है? तो आपने भी ख्याल करना कि अपने जूते वगैरह जो है ना आपने बाहर उतारने, किचन के लिए आपने अलग जूता रखना है, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, तो शुक्रगुजार हैं हम आपके, अल्लाह तआला आपको हमेशा खुश रखे, आप फोटो कितना हंसते मुस्कुराते रहें जी, आप हमें ऐसे गाइड करती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, आप किचन में जो है ना अपना जूता उतार के आया करें, सब बच्चे कोई भी किचन में जूता लेके नहीं आएगा। अच्छा। हाँ यहाँ पर अपना जूता जो है ना इधर उतार दें, यहाँ पर जूता लेके आपने किचन में नहीं जाना, ठीक हो गया? तो क्योंकि इधर खाने पीने वाले बर्तन होते हैं, मैं बोलती हूँ ना कभी गुस्सा कर जाते हैं, मैं बोलती हूँ ना कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, गुस्सा कर जाते हैं। ये देखे ना ये घोड़ना, आप ये पकड़े इसको, पकड़े जरा, इसमें पकड़े ना। अच्छा हाँ जी, ये देखें जी, ये इधर आए, इधर आए आप भी, उधर आए,
सारे उधर आए। अभी मेरी बात का असर हुआ है? तो ये जो डंडा मैंने आपको पकड़ाया ना, जो आपकी बात ना माने ना, बस उसको दो दो लगाने दे, मार साढ़े चार, ठीक है। जो भी आपकी बात ना माने, सबसे पहले तो इसको लगानी है। ये जो खड़ी है ना सामने, अच्छा। इसको ये बात नहीं मानती। मुंह पे देख कैसे बनाया हुआ है इसने। हमारी जी बहुत प्यारी दोस्त है फातिमा अफजल, उन लोगों का चैनल तो नहीं है, आज उनका फोन आया था हमें, वो बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त है। एक है अब्दुल्ला अफजल, एक अब्दुल्ला अफजल है, वो भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, वो हमारे सब्सक्राइबर है। हाँ जी, हमारे चैनल को देखता है, लाइक शेयर करता है। हाँ जी जी, कह रहा निकाह कौन कह रहा मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छी बात है ना, उनका शुक्रिया अदा करो। हाँ जी भाई जान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जान हो गया, जान हो रहा है। हमारी जी बहुत प्यारी दोस्त है एक, है ना, आज उनका फोन आया था, तीन चार बड़े फोन आ गया, तब मैं सही हुई थी, और है ना उसका नाम भी बता दे, कौन सी दोस्त है? अफजल उसका नाम है, और है ना उस मम्मा ने मुझे उठाया, उससे बात कर लो, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर मैं सो गई, फिर अब रात को हम है ना बैठे हुए थे बाबा के पास, और बाबा के पास उसका फोन आया था फातिमा अफजल का, फिर वो उन लोगों ने कहा हम आपका चैनल देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग बहन भाई हमारा चैनल देखते हैं उनका मैं सब पार दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक मेरा भी बहुत प्यारा दोस्त है, वो पढ़ता है सिक्स में, तो वो है उसका नाम है अब्दुल्ला अफजल, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि तुम क्रिकेट खेलते हो, मैंने कहा नहीं, खेलने का टाइम नहीं मिलता, अब स्कूल जाता हूँ, कह रहा ठीक है, तो फिर बाद में वो हमारे बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं, लाइक शेयर करते हैं हमारी वीडियो को, भाई आपका दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, तो आइंदा भी आपसे बात क्या करेंगे, आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें फोन किया, बात की हमसे, जैसे कि जी रिहान ने आपको बताया कि हमारा जी बहुत प्यारा दोस्त है अब्दुल्ला अफजल, मैं हम जी उससे रोजाना बात किया करेंगे भाई जान, मेरे प्यारे दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज जी हम मैं जी सबक याद कर रहा था, तब उसका फोन आया था, तो वो कहते थे मुझसे बात कर लो, तो पहले भी आया था, तब हम स्कूल गए हुए थे, सुबह सुबह आया था, पानी लेने गए हुए थे, सुबह स्कूल के वक्त भी आया था, सुबह जी स्कूल के वक्त आया था, उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि हमसे बात करनी, हम पानी लेने गए थे तो तब फोन आया था, तो तब वो कहते थे कि हमसे बात कर रहे हैं, तो हम पानी लेने गए हुए थे, अब आए वो उन्होंने अब फोन किया, तो हमने अब बात की है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दोस्त है हमारा, अल्लाह ताला जी उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी उसकी सारी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बीमारियां भी तो डॉक्टर